ये एप्पल का अभी तक सबसे ज्यादा पावरफुल कॉम्पैक्ट कंप्यूटर और मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दोस्तों। हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, हमने रिकॉर्ड करा रेड से, एक एक टीवी के फुटेज बन रही है, हमारी स्टोरेज खत्म होने जा रही है। बट हमने सोचा भाई भारी भरकम फुटेज को एडिट करने के लिए भारी भरकम कंप्यूटर की भी जरूरत पड़ेगी। जब भी ऐसे थोड़े भारी भरकम से लग रहे हैं, बट एक्चुअल कंप्यूटर जो है वो एक काफी कॉम्पैक्ट सा बट एट द सेम टाइम काफी पावरफुल है। इसको बड़े बड़े कंप्यूटर के साथ कंपेयर करके देखेंगे और हम अपने सेटअप में लगा के देखें। सबसे पहले खोल ले जाए, हम स्टार्टिंग करेंगे एक कीबोर्ड से। भाई तो ब्लैक कलर का है, अच्छे लग रहे हैं यार कीज। जिन्होंने बताया से जो प्रो वाली चीजें हैं उनका बैकग्राउंड ब्लैक सा रहता है और सेम डब्बों का भी रहता है। आईफोन 13 प्रो का डब्बा जो था वो ब्लैक कलर का और केबल भी जो नॉर्मल वाली केबल है व्हाइट कलर की, बट 13,000 वाली जो केबल है वो ब्लैक कलर। वैसे यूजुअली एप्पल के इतने इतने से आते हैं और जिन्होंने नहीं पता ये वाला सेम टच आईडी है जो एप्पल के फोन्स में आता था। ये हमारा एप्पल माउस। ओ अब आई ना थोड़ी देसी बात, भाई चूहे काले तो होते हैं, व्हाइट तो रैबिट होता है। ये एप्पल का नया मैक स्टूडियो है और ये स्टूडियो डिस्प्ले, ऑल्दो ये दोनों साथ में यूज करने होते हैं बट ये दोनों प्रोफेशनल ग्रेड इक्विपमेंट है। और हम चेक करेंगे कितना बढ़िया, क्या अच्छा है, क्या बेकार है। आई टोल्ड यू ऑलरेडी गाइस, तारे नहीं पसंद मैनू। हमने एक्चुअली इससे पहले iMac की अनबॉक्सिंग करी और ये उससे काफी भारी है। आई अब तो Google Docs। ये है एप्पल का नया स्टूडियो डिस्प्ले और इसका प्राइस 1,60,000 रुपए और प्लस अगर आप स्टैंड मिला लो 2,00,000 रुपीज। अब बोलो ओ ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, बट एक्चुअली अपने प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया है। मैं बताता हूँ क्यों। जैसे कि देख सकते हो और काफी शार्प एजेस वाला एक फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले है, पूरी एक मेटालिक एल्यूमिनियम बिल्ड है, जो आगे पीछे होने वाला मैकेनिज्म वो भी काफी सॉलिड है, जो बेस है वो भी अच्छा खासा सॉलिड भारी है। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे वो है इसका प्लग। हमारा ये जो मोटे पिन वाला एक्सटेंशन है इसमें नहीं लग रहा, हमको अलग से कन्वर्टर लाना पड़ा। हमने अब इसको कनेक्ट कर दिया इधर और जैसे कि देख सकते हो बहुत ही ज्यादा ब्राइट और काफी ज्यादा शार्प पैनल है इसमें। जैसे कि देख सकते हो विल स्मिथ के चेहरे का टेक्सचर दिख रहा है यार। भाई ये देखो, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, फिंगरप्रिंट दिख रहा है। लास्ट आपने कौन सी पिक्चर देखी थी जिसमें अंगूठे की छाप दिखी, तो उसमें भैया के इतने घर थे लग रहा है। ओह पेंसिल की नोक, इसमें आपको वीडियो में भी दिख रहा हूँ भाई, बहुत ही ज्यादा एक शार्प ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले। मैंने काफी सारे डिस्प्ले ट्राई करे हैं और आपको लग रहा है भाई आपका टीवी भी काफी ब्राइट और शार्प है, बट इतना महंगा क्यों है। ये ब्राइट है, कलरफुल है, शार्प है, बट उसके साथ साथ ये काफी नेचुरल डिस्प्ले है। वैसे फायदे होता है कि कहीं एडिट वेडिट करना हो तो हमको जब वीडियो बनानी हो तो थोड़ी आसानी रहती है। हम जो टमाटर दिखाते हैं आपको भी सेम टमाटर दिखते हैं, मजाक नहीं। जो इसके साथ चार आई है ये भी ब्लैक कलर, बैक साइड में 3 पोर्ट्स हैं और 1 थंडरबोल्ट, और यहाँ पे केबल वाला है, इसको आप खोल के निकाल नहीं सकते और मेरे को ऐसी चीज लगी कि भाई निकलने वाला दे सकते थे। बड़ी वाला मॉनिटर खास बस इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर डिस्प्ले अच्छा है, इसके अंदर एक कैमरा जो काफी तगड़ा परफॉर्म करता है, पूरे सराउंड साउंड स्पीकर्स हैं, आईफोन के अंदर जो चिप है वो इस मॉनिटर के अंदर लगी हुई है। इन सबको मैक स्टूडियो के साथ कनेक्ट करके देखते हैं क्या क्या कर सकता है। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, हाथ में घंटे में काफी छोटा लग रहा है बट है काफी ज्यादा पावरफुल। मैनुअल तो है भाई कम से कम। वो ब्लैक कलर का चेयर है, ये है एप्पल का नया मैक स्टूडियो। और सामने की साइड देखोगे 2 USB Type-C पोर्ट्स हैं और यहाँ पे एक SD कार्ड का स्लॉट और बैक साइड में बहुत सारी चीजें, सारे थंडरबोल्ट पोर्ट। ये एक 10G वाला अडैप्टर है, इसका मतलब तेज चलता है इसके अंदर नेट भाई। नॉर्मल लैपटॉप के अंदर सेम पोर्ट आता है उसकी इज्जत नहीं होती, ये उससे काफी डिफरेंट है, उससे 10 गुना ज्यादा फास्ट चलता है क्योंकि जब प्रोफेशनल ग्रेड इक्विपमेंट यूज कर दो, जैसे जो हमारा 100 TB का सर्वर है उसको हम डायरेक्टली किसी कंप्यूटर में कनेक्ट करें तो स्पीड बहुत ही ज्यादा कम आती है, तो इसलिए हमको एक 30,000 रुपए का एक अलग से अडाप्टर खरीदना पड़ता है जो कन्वर्ट करता है ये सारी चीजों और यूएसबी पोर्ट में अटैच हो जाता है। ये एक 3 पिन वाला पावर वाला है, यूएसबी पोर्ट है, एक HDMI पोर्ट, ऑफ कोर्स हेडफोन जैक। ओ माय गॉड, बड़ी सारी चीजें बढ़िया भाई। बैक साइड में यहाँ पे कहीं छोटा सा स्पीकर भी होगा बट ये पूरा हवा निकलने के क्योंकि बैक साइड से तो हवा पास करेंगे यार, समझ रहे हो ना। बट इन दोनों करते हैं साथ कनेक्ट पे देखते हैं। तो भाई फाइनली टाइम आ चुका, हमने सारी तारें जितनी भी थी हमने सब कनेक्ट कर दी। एक्चुअली ऑन ही था, स्लीप मोड बड़ा था, बट ये वाला जो वेरिएंट हमारे पास है एप्पल M1 मैक्स वाला 64GB वाला वेरिएंट, 2022 4TB वाला। तो ये मैक स्टूडियो और ये जैसे एप्पल नॉर्मली अपने लैपटॉप बनाता है ये वैसे ही है कि एक फुल टीन का एक काफी बड़ा बॉक्स है, इसके नीचे मैक स्टूडियो लिखा हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और नीचे की साइड पे एक्चुअली देखो काफी सारे बेंड्स है, इसको खोलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं खुलता है। अगर हमको रैम बढ़ानी है, ये मेमोरी बढ़ानी है या कुछ भी और बढ़ाना भाई नहीं, बट इस वाले कंप्यूटर के अंदर एप्पल की M1 मैक्स चिप है जो एक्चुअल हमने एक 14 इंच वाले लैपटॉप में भी ट्राई कर रखी है। इसका एक हायर वेरिएंट आता है जिसमें M1 अल्ट्रा रहता है, बट क्योंकि इस वाले फॉर्म फैक्टर में तो कूलिंग थोड़ी बेटर हो जाती है और थोड़ा सा कंप्यूटर का कनेक्ट करके एक बार कंपेयर करके देखते हैं कि कैसा चल पाता है। ये बात जिन लोगों को शायद पता हो कि लाइक एप्पल के साथ बढ़िया चलता मस्त, बट एप्पल बाकी सारी चीजों के साथ बढ़िया नहीं भी चलता। जैसे हमने यहाँ पे टाइमलाइन पे प्ले कर रखा है, प्ले हो रही है वीडियो बढ़िया चल रही है बट ऐसे हल्का फुल्का ऐसे लैग भी मार रही है, और ये ऐसी कोई भारी वीडियो नहीं है, ये एक 1080p वीडियो हो सकता है क्योंकि नया प्रोसेसर है थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन में हो, बट यही सेम चीज
चीज अगर फाइनल कट में चलो 6K में 4 स्ट्रीम्स ऑफ वीडियो एक बार में रेंडर कर रहा भाई, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। और ये ऑल्दो कंपैरिजन एकदम फेयर नहीं है, बट इसका जो प्रोसेसर है वो काफी हद तक आप कंपेयर कर सकते हो मैक स्टूडियो के साथ। इसमें वो फ्रेम ड्रॉप्स आपको काफी कम देखने के लिए मिल रहे हैं। बड़े काम करते हैं, दोनों को एक साथ रेंडर करके देखते हैं। 1, 2, 3 को रेंडर हो गया, चलती हो रहा है दोनों पे एक साथ। काफी लोग एडिटिंग करते हैं, ये वाला M1 Max चिप वाला ही एक लैपटॉप है और ये M1 Max वाला Max Studio है। हम देखेंगे भाई क्या फर्क आता है परफॉर्मेंस में, और हम जो अपने एडिटिंग सेटअप में यूज करते हैं तो ऑलवेज प्रोफेशनल। सर हम क्या करेंगे आज? मैं तीनों पे एडिट करके देखता हूँ, फिर देखता हूँ कि किस पे ज्यादा सही रहता है और कौन सा ज्यादा एफिशिएंटली कर पाता है पूरा प्रोसेस। क्या लग रहा है कौन सा सबसे तेज करेगा? दिखने में तो मेरे को लग रहा है ये सबसे तेज करेगा। ये क्यों तेज करेगा? सबसे बड़ा है। मैं टीवी लगा दूंगा लैपटॉप के साथ में, ऐसा होना होता भाई। तेरे को क्या दिक्कत आती है? रेड की जो फुटेज होती थी ना वो एक वीडियो की 1 से 1.5 TB की होती थी। 1.5 TB मतलब जिन लोगों को नहीं पता है एक बहुत ज्यादा है। और ये वाले जो लैपटॉप है ये है 250 GB के, तो इसमें तो आ ही नहीं सकता। इसमें 6 लैपटॉप चाहिए एक वीडियो एडिट करने के लिए। इसकी परफॉर्मेंस ही इतनी नहीं है कि 6K वाली फुटेज हैंडल कर पाए। भाई और इस वाले में क्या दिक्कत हो रही थी? ये वाला जिन लोगों ने बताया 4 लाख का लैपटॉप है तो इसमें भी स्टोरेज कम है और वो भी सर्वर पे एडिट हो रहा था, उसकी वजह से इसको भी बार बार रीस्टार्ट करना पड़ रहा था, लैग कर रहा था। तो एक बार इस वाले में ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। तो सार्थक भाई कैसा लगा? इस वाले की स्क्रीन बढ़ी है तो इसमें कलर ग्रेड करने मजा आया। रेंडर इस वाले में फास्ट हुआ क्योंकि ये ना थोड़ा सा हीट होता है और इसमें इथरनेट वाला पोर्ट नहीं है 10G का, तो हमें ये लगाना पड़ता है। और इसमें डायरेक्ट 10G वाला पोर्ट है तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी और हीट भी कम हो रहा था, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट फास्ट हुआ। कितना फर्क आया? मतलब एक्सपोर्ट की स्पीड में 5 से 10% का फर्क आया। अपने छोटे M1 लैपटॉप पे फिर M1 Max वाली एप्पल का सबसे ज्यादा पावरफुल लैपटॉप है, उसके बाद इस Max स्टूडियो में हमने एडिट करने की कोशिश करी। और सबसे ज्यादा तगड़ी चीज मुझे इसका डिस्प्ले लगा, क्योंकि लिटरली ये एक स्मार्टफोन के डिस्प्ले जैसा फील होता है जिसको आपने काफी ज्यादा बड़ा कर दिया और काफी एक ब्राइट कॉन्ट्रास्टी शार्प इमेज आपको देखने को मिलती है। उसके साथ साथ जो स्पीकर्स हैं, आज हम अपने स्टूडियो का काफी लाउड क्रिस्प और पूरे सराउंड साउंड वाले स्पीकर्स हैं। 1,60,000 रुपए प्राइस के लिए काफी ज्यादा महंगा बोला जा सकता है। ये एक 5K मॉनिटर है, एक्चुअली एक अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है और प्लस इसकी बिल्ड बहुत ही ज्यादा अच्छी है और ये बहुत ही ज्यादा कलर एक्यूरेट है। और मार्केट में ऐसा और कोई भी मॉनिटर नहीं है जो ये सारे काम इस प्राइस पॉइंट पे कर पाता हो। और ये काफी ज्यादा महंगा है, मतलब 2 लाख रुपए का आपको बेस वाला वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा, बट ये वाला लैपटॉप 3,20,000 रुपए का है और इससे हल्की सी बेटर परफॉर्मेंस देता है 1 लाख कम रुपए। जो इसमें पोर्ट्स हैं और बाकी सारी चीजें हैं वो डेफिनेटली भाई एक्सपीरियंस में एड ऑन करती हैं। तो ये वाले दोनों ही प्रोडक्ट्स काफी हद तक प्रोफेशनल्स के लिए टारगेटेड हैं, जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं या फिर कुछ भी थोड़ा प्रोडक्शन लेवल हाई ग्रेड काम वो कर रहे हैं। ऑल्दो 2 लाख रुपए का, बट काफी एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है। हमारे पास जो वेरियंट है ये 4 लाख रुपीज के अराउंड का हमको पड़ता है, क्योंकि 4 TB वाला वेरियंट है। स्टोरेज एक्चुअली काफी हाई ग्रेड की लगी है। अगर मैं टेस्ट करके दिखाऊं तो इसमें स्पीड आती है 6000 MB/s रीड राइट, और जिन्होंने नहीं पता ये बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड है। अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम के एप्लीकेशन यूज करते हैं, फाइनल कट हो गया, डाविंची हो गया, ये डेफिनेटली काफी तगड़ा परचेज रहेगा क्योंकि इस पे वो सारी एप्लीकेशन बहुत ही नेक्स्ट लेवल काम करती है। बट ऐसी अगर कोई एप्लीकेशन है जो विंडोज पे भी चल जाती है तो हो सकता है आप एक कंप्यूटर असेंबल कर पाए जो थोड़े से कम प्राइस में आपको थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर पाए, बट वो भी आप इस फॉर्म फैक्टर में नहीं कर पाएंगे। बट डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है और हमको इसको यूज करने में काफी ज्यादा मजा। होपफुली आपको वीडियो देख के भी अगर आप तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने सोचा इसका अंदर से टेस्टिंग करी, दर्द हो गया।